हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ऑब्जेक्टिव कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ITI सेकेंड ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाले 12 नंबर की वीडियो होने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले ही 11 वीडियो कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से कह रहा है क्वेश्चन कि वेव वाउंड आर्मेचर के समांतर पथों की क्या संख्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो वेव वाउंड होता है उसके जो आर्मेचर के जो पथों की संख्या होती है वो मशीन में जितने खंभे होते हैं उतने के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मोटर की गति बढ़ने पर क्या होता है। तो दोस्तों जब डीसी मोटर की जब गति बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, जो बैक आपका ईएमएफ होता है वो घट जाता है। लेकिन यहाँ पर और भी एक प्रॉब्लम आती है जो कि लाइट करंट भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी सिंक्रोनस मोटर में आमतौर पर डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पर लिए होता है। तो किसी सिंक्रोनस मोटर में जो आमतौर पर जो डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है उसमें पूछ रहा है कि ये प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए की जाती है। तो यहाँ पर रीजन क्या है इसका, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए हीटिंग को रोकने के लिए, टार्क को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में बैक ईएमएफ की स्थापना निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, केवल रोटर की गति या केवल रोटर की उत्तेजना पर, या रोटर की उत्तेजना और गति पर, या कपलिंग कोड रोटर की गति और उत्तेजना पर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो निर्भर आपका करता है किस पर करता है, तो ये केवल रोटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है, जो कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युतीय पारेषण का उद्देश्य खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, पारेषण सिस्टम आवश्यक रूप से कम लाइन लॉस के साथ अधिक दक्ष होना चाहिए। बी ऑप्शन दिया गया है कि पारेषण लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन जरूर शून्य या न्यूनतम होना चाहिए। और सी ऑप्शन दिया गया है कि ए और बी दोनों, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बी, अर्थात यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ऊपर दिए गए जो ऑप्शन दिया गया ए व बी दोनों क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 पे। ये थोड़ा सा ये आपका फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये आपका मैंने दे दिया ताकि आपको पुराना भी याद रहे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जिस चित्र में आपको यहाँ पर दिया गया है ये किस रेती के भाग को दर्शाया जाता है। यहाँ पर जो आपको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर एक एरो की तरह, ये यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हैंडल, टैंग, हील, या यहाँ पर दिया गया शोल्डर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस भाग को ये इंडिकेट कर रहा है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे दोस्तों हम हील, अर्थात सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस नाम से जानते हैं, हिल, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि IE नियम के अनुसार वोल्टेज के स्तर पर आधार पर विद्युतीय उपकरणों लाइनों पर सावधानी नोटिस प्रदर्शित करना होगा। 650 वोल्ट से 33 किलो वोल्ट के बीच संचालित उपकरण लाइन पर किस प्रकार की सावधानी नोटिस प्रदर्शित होगी। सावधान अर्थात मध्यम वोल्टेज, और यहाँ पर दिया गया सावधान या उच्च वोल्टेज, और यहाँ पर सी दिया गया सावधान अतिरिक्त वोल्टेज, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया सावधान या बहुत उच्च वोल्टेज। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस तरह का यहाँ पर दर्शाया जाता है, तो सावधान और हाई वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 85 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी थर्मल पावर स्टेशन में होने वाली ऊर्जा का रूपांतरण खाली स्थान से है। तो उष्मा ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा, या प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा, या जल ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा, या सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो परिवर्तन होता है, जो रूपांतरण होता है, वो होता है आपका उष्मा ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा में, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि धारा एवं वोल्टेज का मान ज्ञात हो तो शक्ति ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग होता है, वी गुड़े आई या वी स्क्वायर अपन आई या वी स्क्वायर गुड़े आई या वी गुड़े आई स्क्वायर। तो दोस्तों जो यहाँ पर जो करेक्ट आपका सूत्र बनता है वो बनता है ए अर्थात वी गुड़े आई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नैप हेड रिवेट के हेड की ऊंचाई मापदंड होता है, 0.5 गुड़े रिवेट का व्यास। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए आप देख सकते हैं और इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 0.7 गुड़े रिवेट का व्यास। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक रिवेटेड ज्वाइंट में प्लेटों के एजों को साधारणतः एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट किया जाता है, इस ज्वाइंट को कहते हैं लेप ज्वाइंट या वट ज्वाइंट या एज ज्वाइंट या कॉर्नर ज्वाइंट। तो दोस्तों इसको जो हम कहते हैं क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं लेप ज्वाइंट, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कार्बन प्रकार के पोटेंशियोमीटर बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, किस प्रकार के बनाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये किस प्रकार के बनाए जाते हैं, तो रैखिक तथा लघु गुणकीय दो प्रकार के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्री सेट होता है एक प्रकार का परिवर्ती मान प्रतिरोधक या संयोजित मान प्रतिरोधक या नियत मान प्रतिरोधक या स्टेप्ड प्रतिरोधक। तो ये जो होता है दोस्तों कैसा होता है, तो ये होता है आपका संयोजित मान प्रतिरोधक, जो कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत कार्य में प्रयुक्त कॉपर की शुद्धता की डिग्री बहुत उच्च खाली स्थान होनी चाहिए, 95.9 या 99.9 तो यहाँ पर हमारी जो शुद्धता होनी चाहिए कितनी डिग्री होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारा 99.9 शुद्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा एक विद्युतीय चालक पदार्थ नहीं है, तांबा एल्युमिनियम या चांदी या कांच। तो यहाँ पर विद्युतीय चालक की बात पूछ रहा है वो भी नहीं है, तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो इसमें आपका जो अचालक आता है जैसा जो चालक नहीं है वो आपका कांच है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होता है। चलिए हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि टीडेल एक्शन कॉटरेज फ्यूज, ठीक है, खाली स्थान के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रयोग किया जाता है आपका मोटर परिपथ के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि फ्यूज खाली स्थान में जोड़ा होना चाहिए, किसमें जोड़ा होना चाहिए। तो फ्यूज दोस्तों किसमें जोड़ा जाने से, तो हमेशा जीवित चालक के श्रेणी क्रम में, अर्थात यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। यहाँ पर आपके सामने एक परिपथ है और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिखाए गए नेटवर्क में यदि 4 ओम का एक प्रतिरोध उस समय काट दिया जाए जब परिपथ सक्रिय हो तो प्रवाही धारा अब कैसी होगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी या घट जाएगी या शून्य हो जाएगी या बहुत हल्की सी बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो होता है परिपथ को, यहाँ पर मान लीजिए आपके परिपथ है तो यहाँ पर जो आपका इस तरह दिया गया, मान लीजिए यहाँ पर हम इसको काट देते हैं, तो इस पर पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इस पर जो होता है वो आपकी जो प्रवाहित धारा होती है घट जाती है, जो कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत भंजक साधारणतः रेल विद्युतीकरण में इस्तेमाल होता है, वायु विस्फोट परिपथ भंजक या लघु तेल परिपथ भंजक या वल्क तेल परिपथ भंजक या SF6 परिपथ भंजक। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है वायु विस्फोट परिपथ भंजक, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके सामने एक परिपथ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिया हुआ चित्र खाली स्थान का परिपथ डायग्राम दर्शाता है, तो ये जो चित्र है दोस्तों ये किस चीज़ का चित्र है। तो दोस्तों ये जो आपके सामने जो चित्र है ये आपका है किस चीज़ का, फटाफट बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके सामने चित्र दिया गया ये किस चीज़ का है, तो ये गोदाम वायरिंग का है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि EHV उपकरण में रख रखाव के लिए इसे सर्वप्रथम पृथक कर देना चाहिए तथा भूमि में संपर्कित कर देना चाहिए, क्योंकि रीजन क्या हो सकता है इसका? तो दोस्तों इसका रीजन हो सकता है कि चार्जिंग कैपेसिटेंस की भूमि में डिस्चार्ज करता है, और जो आपका तीसरा हो सकता है वो आपका होता है संचालक बैटरी वाले कमी को सुरक्षा कर देना, जो कि यहाँ पर बी और सी ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा करेक्ट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पावर परिपथ के लिए सेवा संपर्क के एक प्रकार को चित्र में दर्शाया गया है, एक्स के रूप में चित्र में प्रदर्शित युक्ति का नाम क्या है? यहाँ पर जो आपको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स को, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि ये इस जो युक्ति है इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों एक नाम से जाना जाता है, जो आपका होता है वितरण बोर्ड, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा सी करेक्ट मिलता है। यहाँ पर सी भी सही दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं वितरण बोर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन कवर किया, आपको डेली इसी टाइम आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे डेली रात 8:15 पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।